वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र सरकार ने कहा इस साल के अंत तक सभी लोगों को लग जाएगी वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट के वैक्सीन की कीमत को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद सरकार को जवाब देना है, राज्य सरकार वैक्सीन पर ज्यादा कीमत आखिर क्यों दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन हासिल करने का जिम्मा राज्यों पर क्यों छोड़ा, गांवों में नहीं है डिजिटल साक्षरता, क्या है प्लान। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी पर भड़के नकवी, कहा भय का भौकाल बनाने में जुटे हैं राहुल गांधी। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को बताया बयान बहादुर, कहा देश को ठीक होता देख राहुल की चिंताएं बढ़ जाती हैं। दिल्ली में जारी रहेगा संकट विस्तार प्रोजेक्ट का काम, हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। कोरोना के खराब हालात को देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए दायर की गई थी याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, केंद्र सरकार ने 2 दिन का समय मांगा, 3 जून को होनी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा सरकार इस मामले में 3 जून को जवाब दाखिल करेगी, याचिकाकर्ता ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की। देश में कम होते कोरोना के केसेस, पिछले 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मिले नए संक्रमित केस, 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में 2,38,000 मरीजों ने कोरोना को दी मात, 3,000 से ज्यादा लोगों ने गवाई जान। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 91.60% तक पहुंचा, पॉजिटिविटी रेट लगातार 7वें दिन 10% से नीचे। अलीगढ़ में हिंदुओं के पलायन मामले में जी हिंदुस्तान की खबर का असर, सांसद सतीश गौतम ने कहा योगी सरकार में नहीं होगा किसी का उत्पीड़न, आज ही गांव का दौरा करेंगे सांसद। अलीगढ़ के टप्पल में पलायन को मजबूर, नूरपुर गांव के सैकड़ों हिंदू परिवार, 100 से ज्यादा घरों पर लगा है मकान बिकाऊ होने का बोर्ड, नाकामी छुपाने के लिए पुलिस ने बूथ पर लगाया बैनर। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्र का आदेश एक तरफा है, राज्य सरकार से पहले कोई बात नहीं हुई। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा मुख्य सचिव का तबादला हैरान करने वाला फैसला, केंद्र की अनुमति से ही एक्सटेंशन मिलता था। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन सिद्धू विवाद बढ़ा, दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नाराज विधायकों के साथ 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक। बैठक में नाराज विधायक कमेटी के सामने रखेंगे अपनी बात, हाईकमान को दिया जाएगा विधायकों का फीडबैक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। बिहार के दरभंगा में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई, मरने वाले बच्चों में 1 की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सांस लेने में दिक्कत के बाद बच्चों को दरभंगा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 4 बच्चों को निमोनिया के लक्षण थे। कोरोना टीकाकरण के मामले में दुनिया में 2 नंबर पर पहुंचा भारत, लेकिन आबादी के लिहाज से संख्या बेहद मामूली। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 21 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जो कि कुल आबादी का महज 3% है। देश में महज 12% लोगों को पहली खुराक लग पाई है, जबकि 3% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। सीएम योगी ने वृंदावन में किया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, कहा यूपी में ऑक्सीजन की कमी से ना के बराबर भी मौत। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर निशाना, कहा कुछ लोग रच रहे हैं देश को बदनाम करने की साजिश। यूपी के सीएम योगी का केजरीवाल पर निशाना, ऑक्सीजन पर कुछ लोगों ने डर का माहौल बनाया, ऑडिट की बात हुई तो भाग खड़े हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर को क्लीन चिट देने के लिए ड्रग कंट्रोलर को लगाई फटकार, कहा आप जांच नहीं कर सकते तो हम किसी और को दें जिम्मेदारी। दिल्ली में आज से अनलॉक की तैयारी हुई शुरू, सख्ती में ढील देने के लिए डीडीएमए ने जारी किए हैं आदेश। दिल्ली में पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों की ही इजाजत दी गई है, बाकी पाबंदियां 7 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। दिल्ली में पत्रकारों के लिए नए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण केंद्र का लिया जायजा। ओडिशा के भद्रक में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जहां साइक्लोन के बाद लॉकडाउन में ढील के चलते सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,062 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 22 लोगों की गई जान। नई थमरा एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा के टीकाकरण का विवाद, बीजेपी नेताओं ने भी कहा मीरा चोपड़ा ने वैक्सीनेशन के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल किया। यूपी के कासगंज से बीजेपी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह लोधी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ बीजेपी विधायक का निधन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कॉकटेल एंटीबॉडी इंजेक्शन का ट्रायल, मेदांता अस्पताल में 1 मरीज को इंजेक्शन लगाया गया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 3 मरीज की और गई जान, 14 नए मरीज मिलने से हड़कंप, अब तक ब्लैक फंगस से 35 की गई है जान। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के आधा दर्जन गांव में अभी तक नहीं है कोरोना की एंट्री, कोरोना से बचाव के लिए बाहर से आने वाले लोगों को गांव में नहीं दी जा रही एंट्री। यूपी में अलीगढ़ का करसुआ गांव जिले का सबसे प्रभावित गांव, कोरोना संक्रमण से अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि, शराब के ठेके को हटाने के लिए लोगों का हंगामा भी आया नजर। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 1,226 नए मरीज बीते 24 घंटे में, जबकि 30,357 एक्टिव केस पूरे राज्य में।
इंदौर में जल्द शुरू होगी कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न लेबोरेटरी के चेयरमैन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करना पड़ गया भारी, जहां प्रेमी का मुंडन करवाकर जूतों की माला पहनाकर लड़की के परिजनों ने लड़के की बेरहमी से बताया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना आपदा के बीच होटल में सजी महफिल, सबक सिखाने पुलिस ने शराबियों का निकाला सार्वजनिक जुलूस, 50 से ज्यादा रईस ज्यादा हिरासत। कोरोना संक्रमण पर बिहार के सीएम क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जहां बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। बिहार में कटिहार के शमेली ब्लॉक में खस्ता हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों का इलाज होने की बजाय वहां बांधे जा रहे हैं जानवर। कोरोना काल में बिहार के कटिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला, मेडिकल स्टाफ के नहीं होने से स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रही है स्वास्थ्य सुविधाएं। पंजाब के लुधियाना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में बिना मास्क की उमड़ी लोगों की भीड़। राजस्थान के बाड़मेर में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत, बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर टीकाकरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ ऑफिस पर धरना दिया। हरियाणा में 7 जून तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदियां, दुकानों के खुलने के समय में किया गया बदलाव, अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और जीवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वॉरियर नर्स ने मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाया, जहां अस्पताल में भर्ती है 200 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा, दिल्ली में मौजूद पाक हाई कमीशन, प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी पहुंचा रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई प्रदर्शन की आड़ में खालिस्तानी गुटों की मदद कर रही है, जहां पर अपने दूतावासों की मदद से खालिस्तानी के साथ कई राउंड की बैठकें भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अस्थिर करने के लिए प्लान K2 की रची साजिश, K2 यानी खालिस्तान और कश्मीर। प्लान K2 के जरिए कश्मीर में आतंकी हमले करना इनकी साजिश है, जहां पंजाब के लिए खालिस्तानी आतंकियों की मदद का भी प्लान है। सागर हत्याकांड में सुशील कुमार पर कार्यवाही में तेजी, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सुशील कुमार को हरिद्वार ले जाने का लिया फैसला, पहुंचे हरिद्वार। फरार होने के बाद सुशील कुमार हरिद्वार पहुंचा था, जहां हरिद्वार में सुशील को पनाह देने वालों से भी पूछताछ की जाएगी। बिहार के नालंदा में मछली मारने को लेकर खुलेआम मारपीट और फायरिंग, पुलिस ने 2 बंदूक और कारतूस के साथ 3 दबंगों को किया गिरफ्तार। देश में आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, जहां मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 के पार, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94.23 रुपए प्रति लीटर। मुंबई करों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर से कर पाएंगे मेट्रो 7 और मेट्रो 2 में सफर, ट्रायल रन के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई में प्री मॉनसून की दस्तक, रुक रुक कर पड़ रही है फुहार, 8 जून तक मॉनसून आने की संभावना। मेरठ के CCS विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, योगी आदित्यनाथ, रामदेव, बशीर भद्र की पुस्तकें अब कोर्स में शामिल की गई हैं, BA दर्शन शास्त्र और उर्दू के छात्र हठ योग और योग साधना जैसी पुस्तकें पढ़ेंगे। यूपी के मथुरा में आत्महत्या का प्रयास, मुंबई जा रही ट्रेन के आगे लेटा शख्स, पूरी ट्रेन गुजर जाने के बाद व्यक्ति को नहीं आई चोट। राजस्थान के सिरोही में अवैध शराब कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, 1,705 कार्टून शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, करोड़ों की बताई जा रही है शराब। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश 4 पहिया वाहनों के चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत को सेना ने किया नाकाम, अवंतीपुरा में IED बरामद किया गया, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। कोटा एयरपोर्ट के सामने खड़ी बसों में लगी आग, आग की चपेट में आई 1-1 कर 3 बसें, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना ब्रिज पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, पिलर पर खड़े होकर खुदकुशी की कोशिश की, लोगों ने जान बचाई। नेपाल में एवरेस्ट कैंप से एयरलिफ्ट किया गया अमेरिकी पर्वतारोही का शव, माउंट एवरेस्ट के कैंप 4 में हुई थी अमेरिकी पर्वतारोही की मौत। 3 मेंबर की कमेटी आज नाराज विधायकों से करेगी बैठक, 25 विधायकों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया, पंजाब कांग्रेस का है मामला। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच राहुल गांधी के एंट्री, राहुल ने 10 विधायकों से की फोन पर बात। पंजाब में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में उठे बगावती सुर, पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 जून को होगी अहम बैठक, सस्ते लोन और ब्याज दरों को लेकर हो सकती है चर्चा। इनकम टैक्स विभाग 7 जून से ITR की नई वेबसाइट लॉन्च करेगा, 1 से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट का ITR संबंधी काम नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से बैंक चेक पेमेंट के नियमों में करेगा बदलाव, बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन सर्विस करेगा शुरू, इससे चेक फ्रॉड होंगे कम। छोटे उद्यमियों के लिए बढ़ा बिना गारंटी लोन का दायरा, अस्पताल, नर्सिंग होम और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी ले सकते हैं 2 करोड़ तक का लोन। ज्वेलरी हॉलमार्किंग अब 1 जून से लागू नहीं होगी, ज्वेलर्स की मांग पर इसे 15 जून तक के लिए टाल दिया गया है, सरकार ने एक कमेटी का भी किया है गठन।
रमेश पवार के साथ कड़वाहट को लेकर बोली मिताली राज, जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती है। संजय मांजरेकर से विवाद पर रविंद्र जडेजा का खुलासा, जश्न के दौरान खोज रहा था कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल 6 की राह में पीसीबी जेल रहा है अर्चने, सर्रा समेत 11 पाकिस्तानियों को यूएई जाने से रोका गया है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लिए सैन्य परेड, संघर्ष विराम के 8 दिन बाद गाजा पट्टी में रॉकेट और हथियारों का प्रदर्शन। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो के खिलाफ महाभियोग चलाने की उठाई मांग, रियो डी जेनेरियो शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। चीन में घटती जनन क्षमता से संकट झेल रहे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, सेना में लाखों पद है खाली। नेपाल में विपक्ष ने मोर्चा खोला, कहा उली की बात नहीं माने सरकार विभाग और गैर लोकतांत्रिक सरकार, ये बात भी कही गई। तिब्बत को चीनी प्रांत बनाने की कोशिश में है चीन, प्रताड़ित कर वहां के लोगों की कर रहा है नसबंदी। 3 यूरोपीय देशों में फिल्म पठान की 40% शूटिंग करेंगे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम भी अब अहम भूमिका में नजर आए। फैंस को वरुण धवन ने बताया अपनी फिटनेस का राज, रोजाना 14 से 16 घंटे का रखते हैं फास्ट। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पूरे 52 साल हो गए हैं, जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अब तक के किरदारों की फैंस को छलक दिखाई। मुसीबत में घिरी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, करणी सेना ने फिल्म के नाम पर जुताई आपत्ति। संभावना सेठ ने अस्पताल के खिलाफ लिया लीगल एक्शन, पिता के निधन के बाद भेजा नोटिस। गुस्सैल गेंडे ने हमला कर कार का निकाला कचूमर, गेंडे के अटैक से चालक की जान बचाना भी हो गया बहुत मुश्किल। नदी में मगरमच्छों के साथ स्विमिंग करते शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सोशल मीडिया पर शख्स को लोगों ने तार्जन बताया। खेत में घात लगाकर बैठे बाघ के हमले का वीडियो वायरल, महावत का शिकार करने के लिए लगाया चाक। तालाब में पानी पी रहे चीते पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, मौत को छूकर वापस लौटा चीता। चलते सर्कस में शेरनी ने कर दिया ट्रेनर पर हमला, शेरनी के हमले से बुरी तरह जख्मी हुआ ट्रेनर। चंद सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई बहुमंजिला इमारत, मलबे के ढेर में तब्दील हुआ आसपास का पूरा इलाका। कार सवार को हीरोपंती पड़ी भारी, खिलौने की तरह बाढ़ में बही कार, लोगों ने कार सवार को बचाने की कोशिश। बच्ची ने पिलर पर चढ़ने के लिए जमकर कोशिश की, बच्ची के हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। कोरोना से बचने के लिए 2 लोगों ने बाइक के साथ किया कमाल का जुगाड़, मोटरसाइकिल को प्लास्टिक से किया कवर।